Assalamualaikum, आप लोग सब खैरियत से होंगे. माय नेम इज फरजाना कौसर. आई वर्क एज अ डाटा एंट्री ऑन फाइबर एंड अर्निंग ऑनलाइन सक्सेसफुली. टुडे आई एम विद यू फ्रॉम ब्रैंडफोर्ड टू आंसर योर क्वेश्चन अबाउट ऑनलाइन अर्निंग एवरी संडे एट 12 AM पाकिस्तानी टाइम एंड ईस्टर टाइम 3 PM. बिफोर आई स्टार्ट प्लीज शेयर विच फ्रॉम सिटी you are from joining me today. Even you are watching me as a replay, please join the conversation by writing your city. I will be acknowledging you soon. So, by the way, if you have any question, please post here. I will be reading and try to answer your answer. You're as many as I can today, otherwise may consider next week. Please be nice with me. Before I continue, always remember sharing is caring. So please share in this your profile so that your friend can join as well. So मैंने दो साल पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी. मुझे लाइक डाटा एंट्री करनी आती थी, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिसमें मैं अपना फ्रीलांसिंग खुद काम कर सकूं घर में बैठ के. तो फिर मुझे ये जीएससी ऑफिशियल का ट्रेनिंग ली, जिसमें मैंने ऑनलाइन काम करना मैंने सीखा कि ऑनलाइन काम कैसे करते हैं, क्लाइंट से ऑर्डर कैसे लेते हैं, क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, जो आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं उसको अच्छे तरीके से कैसे लिखते हैं, तो वो सारा मैंने सीखा. फिर मैंने फाइबर का स्कॉलरशिप लिया, तो स्कॉलरशिप किया, फिर मैंने ऑनलाइन काम करना शुरू किया. तो डाटा एंट्री बहुत इजी है, तो मैं उन फ्रेंड को सजेस्ट करती हूँ कि जिनके पास स्किल है लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने यूज कैसे करना है, तो वो डाटा एंट्री कर सकती हैं. डाटा एंट्री बहुत इजी होता है, लाइक कॉपी पेस्ट काम होता है. किसी ने आपको टास्क दिया होता है, आपने उसको टास्क कंप्लीट करके देना होता है, फिर आप फाइबर पे आप उसको डिलीवर करते हैं, तो फिर आपको उसका कैश मिलता है. तो मैं घर में बैठ के आराम से काम करती हूँ. मेरे बच्चे भी हैं तो वो प्ले करते रहते हैं, तो उनके साथ में आराम से काम कर लेती हूँ. मुझे बाहर जाने का ड्यूटी अटेंड करने का हैसल नहीं होता. तो आप भी कर सकते हैं. तो अगर मैं जो मुझे फ्रेंड जिन्होंने ज्वाइन किया, अगर उनका भी क्वेश्चन है अबाउट फ्रीलांसिंग के बारे में, तो प्लीज आस्क करें ताकि वो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सके. बहुत सारे फ्रेंड्स का क्वेश्चन होता है कि ट्रेनिंग का टाइम कैसे है, उसको कैसे ज्वाइन करना है. तो उनके लिए है meetsiddique.com/start. बहुत इजी है, इसके सिंपल स्टेप फॉलो करें. कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन करते हो तो आप खुद ही आंसर ले लेते हो, आप लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं. लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो आप वो काम नहीं कर सकते. तो आप इसमें ट्रेनिंग एनी टाइम आप कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट स्टार्ट लॉग इन करना है और उसके स्टेप फॉलो करना है जब आपके पास टाइम हो. तो एनी टाइम कर सकते हैं, जब आपके पास टाइम हो तब आप उसको कर सकते हैं. तो उसका अगर जो चीज आपने नहीं की तो आपको उसके रिमाइंडर आते हैं, तो ताकि आप वो चीज वो आप उसको कंप्लीट कर सकें. तो सिंपल टास्क फॉलो करने होते हैं. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी था कि मैं क्लाइंट सारे डिलीवर कैसे करूंगी या उनसे बात कैसे करूंगी. तो इस ट्रेनिंग में सब कुछ है बहुत अच्छे तरीके. जो मैं क्वेश्चन थे उसमें जब ट्रेनिंग स्टार्ट ली तो उसका मुझे आंसर मिला, तो फिर मैं उसको कंटिन्यूस करती रही. तो जब बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलनी आती है, हमें लिखनी नहीं आती, तो उस ट्रेनिंग में सबको बताया गया है कि आप कैसे कर सकते हैं. आप लाइक ऑनलाइन क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, ग्रामरली कैसे यूज करते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है.
तो ये जब आप काम करेंगे फिर आपको जो स्कैम का क्वेश्चन आते हैं वो आप खुद उसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो अपने वीडियो देखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आपको काम मिलेगा। अगर आप जस्ट ट्रेनिंग ले लेंगे फिर कहेंगे कि मुझे खुद ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब आप जितनी आप एफर्ट डालेंगे आप उतना ही काम बना सकते हैं। तो इसमें एज का भी नहीं है कि कितने एज का सीख सकते हैं, ये सिंपल है, जिनके कंप्यूटर स्किल जिनके आते हैं। तो अगर आप लोग जो फ्रेंड से बात करें प्लीज, अगर किसी का ऑनलाइन क्वेश्चन है तो आज करें, नीचे कमेंट्स करें ताकि उनके मैं आंसर कर सकूं। तो प्लीज आप क्वेश्चन इंग्लिश में कीजिएगा तो उनके मैं आंसर ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकती हूँ, क्योंकि जो रोमन उर्दू होती है वो मैं इतने अच्छे तरीके पढ़ नहीं सकती, तो फिर वो ना हो कि वो कहते उसने जवाब नहीं दिया। तो मैं आज मैं एक सोच कही थी कि मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहती थी, जैसे आप कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, लेकिन स्मार्टफोन सारे यूज करते हैं लेकिन उनको कॉन्टैक्ट सेव नहीं करने आते हैं, वो सिम में यूज कर लेते हैं तो लेकिन वो अपने जीमेल में नहीं सेव करते। फिर जब सिम चेंज करते हैं या डाटा क्लीन करते हैं तो वो कहते हैं कि वो फिर ये कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स का नंबर लॉस्ट हो गया। तो उनके लिए बस ये है कि जब भी स्मार्टफोन आप यूज करते हैं उसमें जो आप ईमेल लगाते हो, क्योंकि ईमेल के बगैर आप स्मार्टफोन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जब आप किसी का भी कॉन्टैक्ट सेव करते हो तो वो आपसे पूछता है कि आपने सिम में सेव करना है या जीमेल में, ईमेल में सेव करना है, जीमेल होती है ना, जीमेल के कॉन्टैक्ट में सेव करना है। तो आप उसी कॉन्टैक्ट में जितने आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी हैं आप अपने जीमेल कॉन्टैक्ट में सेव करना शुरू कर दें। तो आप एनीवेयर, आपका फोन खराब हो गया है या आप सिम चेंज कर लिए, आप उसमें आपका कॉन्टैक्ट सेव रहेंगे। तो वो बेसिक आप उसका नेम सही डालें और उसका फोन नंबर डालें, उसकी ईमेल डालें, जितना आपके पास कॉन्टैक्ट है तो वो डालें। उसी पे आपको डाटा एंट्री भी करना आ जाएगा कि डाटा एंट्री कैसे करते हैं, लाइक मेन फिलिंग एप्लीकेशन होती है वो कैसे फिल करते हैं। ये है अब्बास इरफान, हाउ कैन वी गेट डाटा एंट्री वर्क्स एंड व्हाट्स डाटा एंट्री एक्चुअली। तो अब्बास आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच। डाटा एंट्री एक्चुअल में पर्सन की इंफॉर्मेशन होती है जो गूगल से सर्च करनी होती है, गूगल से सर्च करनी होती है, एक्सेल शीट होती है या एमएस वर्ड शीट होती है, उसमें आपने सेव करना होता है। लाइक ऐसे एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो स्कूल में आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में स्कूल में आप पढ़ते हैं, जो जितने स्टूडेंट का डाटा होता है तो वो सेव करना होता है, लेकिन जो स्कूल में टीचर होते हैं वो सब पढ़ा सकते हैं, वो डाटा सेव नहीं कर सकते, उन्होंने ऑनलाइन फ्रीलांसी पीपल को दो आउट सॉरी मैं अभी टीच कर रही थी, एक सेकंड बेटी आ गई मेरी। तो सॉरी तो वो आपने जैसे स्कूल में डाटा बहुत सारे स्टूडेंट है तो वो सबड़ी को हायर करते हैं, जितने स्टूडेंट का डाटा होता है वो एक्सेल शीट में सेव करते हैं। तो फिर आप उसको शीट उसका 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, आप उसको डाटा सेव करके लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम लोकेशन फोन नंबर सोशल मीडिया साइट आप सेव करते रहेंगे एक एक कॉलम में, फिर उसको 100 या 200 जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको सेव करके डिलीवर करेंगे तो फिर आपको उसका कैशबैक मिलेगा। अगर आपको मेरा क्वेश्चन ऐसा अच्छा लगा प्लीज अपने फ्रेंड्स पर टैग करें, अपने फ्रेंड्स को टैग करें ताकि वो भी ऑनलाइन सीख सकें। तो वो मैं ऑनलाइन सॉरी जो फोन का बता रही थी, तो फिर आप जब फोन में से जीमेल कॉन्टैक्ट में सेव करते हैं तो आप एनीवेयर आप उसको सेव कर सकते हैं, तो एनीवेयर आपको जरूरत होगी तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लाइक मोर देन वन नंबर ही आप सेव कर सकते हैं, बेसिक आप जितना सेव कर सकें। और मेक श्योर करें कि आपको उस पर्सन का रियल नाम याद हो, अगर नहीं है जैसे आपको रियल पर्सन का स्पेलिंग नहीं करने आते
आप गूगल करें कि बॉयज का नेम है, गर्ल्स का नेम है, तो उसकी जो शीट आती है उसमें उस बॉयज का स्पेलिंग आप देख के आप सेव कर लें। मोहम्मद सिद्दीक डाटा एंट्री के एग्जाम्पल यूट्यूब पे वीडियो उन्होंने शेयर की है, तो आप ये भी देखें, आप ये भी देखें कि आपका आइडिया हो जाएगा कि डाटा एंट्री में कैसे सेव करते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी का और क्वेश्चन हो तो प्लीज आप आस्क करें, ताकि आप भी ज्वाइन करें, तो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, क्योंकि स्किल सबके पास है लेकिन उनको यूज नहीं करना आता, तो यूज नहीं करना आता, तो फिर वो कहते हैं कि हम ऑनलाइन मतलब के कैसे करें काम ना। तो ऑनलाइन हम काम कैसे करें, तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट में आपको पैसे कम मिलते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आपको काम आता है लेकिन आपको क्लाइंट को हैंडल नहीं करना आता। अब्बास प्राण इज ओके, प्लीज कैरी ऑन मैडम, थैंक यू। तो आप और भी ऑनलाइन क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, ताकि आप भी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग काम कर सकें। तो बाय द वे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज पोस्ट इट, आई विल बी रीडिंग एंड ट्राई टू आंसर योर मेनी आई कैन टुडे, अदरवाइज मेक इट इन नेक्स्ट वीक। हाउ वी कैन गेट डाटा एंट्री वर्क एंड व्हाट्स डाटा एंट्री एक्चुअली, आई थिंक ये ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ था पहले, तो इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ। तो स्टार्ट में आपको काम करना आता है लेकिन आपको क्लाइंट हैंडलिंग करना आता है, तो स्टार्ट में आप पैसे उसके आपके ऑर्डर बेस पे होते हैं। जब अब्बास अरफान, हाउ मच वी कैन अर्न विद सीरियस कमिटमेंट विद वर्क विद दिस, हाउ मच, या वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है। जैसे समटाइम 200 सर्च करना होता है तो क्लाइंट आपको $10 पे करता है, वो 200 सर्च है आपकी लाइक आप 4 आवर में सर्च कर सकते हैं, आप 5 आवर में सर्च कर सकते हैं, और आप 8 आवर में सर्च कर सकते हैं। तो आपने फिर उसका काम देखना है, आपने उसका $10 नहीं देखना है कि उसने $10 का काम है तो मैं वो करूँ। तो समटाइम क्लाइंट आपको मोर देन दैट भी पे कर देते हैं, $10 $15। तो आप $10 जब आप first 10 order आप बना लेंगे तो फिर आपका ऑनलाइन काम करना आ जाएगा, तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा पैसे उसको चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको first 10 order नहीं बनते तो आपके रिव्यू नहीं होते, तो क्लाइंट आपको नहीं करता है। जब आप उसको फर्स्ट टाइम 1-2 क्लाइंट का काम इतना अच्छा करके देगा तो वो आपका रिपीट बायर बन जाते हैं, फिर आप उसे ज्यादा से ज्यादा आप उसे कर सकते हो। तो प्लीज और किसी की क्वेश्चन है तो आप आस्क करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें। तो मैं उसका बता रही थी, जो आपके सेल फोन कॉन्टैक्ट्स होते हैं ईमेल में सेव करते हैं, तो फिर आप एनी वेयर ईमेल में लगा के आप उसके कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, और आप लूज भी नहीं होंगे, आप सिम चेंज करें जो मर्जी करें कॉन्टैक्ट्स में रहेंगे, इवन के फ्रेंड्स भी नंबर चेंज कर लेंगे, लेकिन आपके पास जब नया नंबर आएगा आप उसको एड ऑन भी कर सकते हैं। तो ये आज का था बेस्ट, ताकि आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज अपने प्रोफाइल पे शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स और भी सीख सकें और ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सके। तो जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि ट्रेनिंग के बगैर हम काम कर सकें, ट्रेनिंग के बगैर आप काम कर सकते हैं, लेकिन जब आपको कोई ऑर्डर देगा 1 time देगा 2 time देगा लेकिन आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इसकी meetsiddique.com/start से ट्रेनिंग लेंगे तो आप खुद सेल्फ एम्प्लॉय बन जाएंगे, फ्रीलांसर बन जाएंगे। तो इसकी फर्स्ट इसकी तीन वीडियो फ्री हैं, अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको इसके जस्ट होल कोर्स के $10 फी है, पाकिस्तानी 1000 रुपया बनता है।
तो वो 1000 रुपया देके आप उसमें सीखें, तो फिर आप जब आई एम टीचेबल कोर्स 100% कंप्लीट कर लेंगे, 100% ऐसे कंप्लीट होता है कि उसकी जो फर्स्ट वीडियो आपने उसको वॉच किया तो उसके बारे में नेक्स्ट आ रहा था, नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो उसकी परसेंट एज आती है 10% का लिया, फिर आपने नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसकी 20% आ जाएगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है और आपने 2 वीडियो स्किप कर दी है और आप फोर्थ वीडियो स्टार्ट करने लग गए तो फिर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा और नेक्स्ट वीडियो भी स्टार्ट नहीं होगी, तो फिर आप कहते हैं कि इसमें कोर्स करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो आप उसको अपने होनेस्टी तरीके से आप उसको वॉच करें, होनेस्टी तरीके से आप उसको वॉच करें, नेक्स्ट करें, तो जब 100% होगा तो फिर आप फाइबर का स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आप जब आई एम टीचेबल कोर्स 100% कर लेते हैं तो आपको ईमेल आती है कांग्रेचुलेशन की, उसमें कोड होता है, तो वो आप अप्लाई करें तो फिर आप फाइबर का कोर्स आप कर सकते हैं। फाइबर का वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर आप उसको कंप्लीट करें, फिर आप फ्रीलांसिंग करना काम करना शुरू कर दें। काफी फ्रेंड्स की मैं क्वेश्चन देखती हूँ तो वो देखते हैं, वो कहते हैं कि मुझे उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो आप जो भी आपने सीखा है आप उसको इम्प्लीमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा आप सीखें तो फिर आप काम कर सकते हैं। तो जिन्होंने मैं भी ज्वाइन किया है, My name is Farzana Kausar. I work as a data entry on Fiverr and earning online successfully. Today, I'm with you from Brantford to answer your question about online earning every Sunday, 12 a.m. Pakistani time and Eastern 3 p.m. So, even you are watching as a replay, please join the conversation by writing your city. I'll be acknowledging soon. जो इसकी रजिस्टर meetsdeek.com/start। बाय द वे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज पोस्ट हियर, आई विल बी रीडिंग एंड ट्राई टू आंसर योर एज मेनी आई कैन टुडे, अदरवाइज मेक इट नेक्स्ट वीक। सो प्लीज if you like my answer to your question, please tag your best friend so your friend can learn and earn online as well with you. So agar aap kisi ke question hai about online earning, please aap niche comments kare taki aap zyada se zyada seekh sake, to taki aap online start karna shuru kar dein. तो सम आल फ्रेंड का रिक्वेस्ट करती हैं कि मुझे पर्सनल इनबॉक्स नहीं करेंगे, जो इनका जीएससी ऑफिशियल का जीएससी फाउंडेशन का ऑफिशियल पेज है उसमें क्वेश्चन करेंगे तो उनको मैं रिप्लाई करूंगी। जो पर्सनल इनबॉक्स करते हैं समटाइम हाई का कर देते हैं, समटाइम सलाम का कर देते हैं, तो उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं होता कि उनको उसके हाई का और उसका जवाब करते। अच्छी बात है करना चाहिए, लेकिन जब तक आप किसी से जानते नहीं तो आप उसका जिस्मान मैसेज कैसे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन प्रॉपर हो तो उनका जवाब देती हूँ, अगर वैसे कर रहे हैं तो वो उनका टाइम मैं टाइम आंसर नहीं दे सकती क्योंकि मजीद जिसका ऑनलाइन क्वेश्चन करने आते हैं तो आप एवरी संडे परसेंट वाले एम को ऑनलाइन होती है, तो आप उसमें क्वेश्चन आस्क करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसमें सीख सकें। तो लास्ट के क्वेश्चन आए थे कि प्लीज टेल मोर डिटेल, तो मैं सबको यही कहूंगी कि ऑनलाइन है साइड meetsdeek.com/start से आप ट्रेनिंग लें तो फिर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना शुरू कर दें। तो आप जितना काम करेंगे उतने ही आपको ट्रेनिंग के बाद आप फ्रीलांसिंग में जितना काम करेंगे आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं आपने वीडियो देखी है लेकिन आपने फाइबर भी आईडी बना ली है लेकिन आपने डेली बाय रिक्वेस्ट नहीं सेंड की तो आपको ऑर्डर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने डेली बाय रिक्वेस्ट ही सेंड करनी है। फ्रीलांसिंग में आप 20 मिनट टाइम स्पेंड करें, 30 मिनट स्पेंड करें, ये आपका अपना टाइम है। तो
आप फ्रीलांसिंग में फाइवर बाय रिक्वेस्ट भेजें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले, आप ज्यादा काम कर सकें। अगर आप कहेंगे कि हमने सोशल मीडिया पर आईडी भी देख ली है, जस्ट लाइक एज यूजली जैसे फेसबुक आईडी बनाई थी, लिंक्डइन आईडी बनाई थी और हमने फाइवर पे आईडी बना ली है और आप हम काम करना शुरू, पैसे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन काम के बगैर ऐसा नहीं है। जितना आप काम करेंगे आप उतना ही सीख सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स मुझे अभी बात कर रहे हैं तो उनके भी क्वेश्चन है अबाउट आने आने का, तो प्लीज आज करें, प्लीज आज करें ताकि उनके आंसर के क्वेश्चन कर सकें, वो भी ऑनलाइन काम कर सके। तो अगर किसी का और भी क्वेश्चन है तो प्लीज आज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग सीखें और ज्यादा कर सकें। तो जैसे अभी मैंने उसका हिंट दिया था, टिप दिया था कि आप अपने सेलफोन के कॉन्टैक्ट कैसे सेव कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है, फिर आपको भी वैसे पता चल जाएगा कि डाटा एंट्री काम कैसे करते हैं जब आप अपने कॉन्टैक्ट सेव करेंगे। तो मतलब कि फ्रीलांसिंग बहुत सारे फायदे हैं कि उसमें टाइम लिमिट नहीं होती, आप पाकिस्तान से हैं तो आप बेस्ट तरीका टाइम आप आफ्टर लाइक 7 PM आफ्टर 7 PM आप काम कर सकते हैं तो तब यूएस कैनेडा में डे टाइम होते हैं। तो फिर आप नाइट टाइम जितने आवर्स काम करें फिर आप लाइक नेक्स्ट डे आप अपना जॉब चले जाएं, स्कूल चले जाएं, आप वो काम कर सकते हैं। तो अगर मजीद किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप आज करें ताकि आप भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकें। किसान के होता है कि ऑनलाइन फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन आपने सबसे सुना है, लेकिन आप ट्रेनिंग लें, खुद इम्प्लीमेंट करें, तो फिर आप जो स्कैम होता है जो आपको उसको खुद पहचानेंगे कौन सा स्कैम करता है कौन सा नहीं करता। लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तो वो आप स्कैम आपको पहचान नहीं सकते, आप सिर्फ देखते हैं। तो क्योंकि जो साइडें जैसे फाइबर है या और साइडें हैं, तो उसमें जो साइडें बायर पे करता है पहले साइड को पे करता है, जब आप उसका ऑर्डर डिलीवर करते हो तो अगर आपका काम लाइक करता है और डन करता है तो फिर आपको पे मिलता है। तो वो साइड आपका 10% रखती है, जब 10% रखती है उसका मतलब कि वो सिक्योर है, क्योंकि जब तक वो साइड बायर है उसको साइड का ऑर्डर नहीं करेगा तो आपने उसका ऑर्डर नहीं लेना। अगर आप में चैट में कह रहा है कि प्लीज मुझे ये काम कर दे, मैं बाद में ऑर्डर कर दूंगा, तो आपने उससे ऑर्डर नहीं लेना उसको, तो पहले आप मुझे काम ऑर्डर करें थे फिर मैं आपका डिलीवर करूंगा। तो आप उसे देख लें कि उसका एग्जाम काम देख लें आप कैसे कर सकते हैं, तो फिर उसे टाइम का प्रॉमिस कर लें। अगर आप उस काम नहीं कर सकते जो आपको 2 days लिए हैं, फिर भी आप उसको बता दें कि मैं अभी इसमें जो आपका क्लाइंट है उसका अपडेट करते रहें ताकि उसको पता हो कि अभी आपका काम कम्प्लीट नहीं कर सकते। तो जब तक आप उसका काम कम्प्लीट नहीं करेंगे तो जो साइड फाइबर साइड है आपको पे नहीं करेगी, तो वो आप अपनी गेट पे उसकी रिविजन लगा दें तो अच्छा है कि क्लाइंट भी खुश हो जाता है कि ये जो भी मिस्टेक होगी वो करेक्ट करवा लूंगा। तो अगर आप उसका काम फर्स्ट टाइम ही समझ के कर लें तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है जो काम आपको बाजार बस ऑर्डर आता है लेकिन आपको आप ये देखने को उसका करें कैसे, तो आप उसे गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। तो जो बासा स्किल है लेकिन आप मजीद उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। तो गूगल से सर्च करें, यूट्यूब से सर्च करें, आप अपने जो स्किल हैं तो उसको डाटा एंट्री के अलावा भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे स्किल हैं लेकिन आपने जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो बहुत सारे आप उसमें नहीं कर सकते। तो मेरे पास अभी 5 मिनट है,
5 minute है तो जिनका क्वेश्चन है अभी आप कर सकते हैं जो इवन यू आर वॉचिंग एज ए रिप्ले सो प्लीज आप क्वेश्चन आस्क करें उनका मैं नेक्स्ट वीक उनका आंसर दूंगी तो एज अ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग me on this Facebook live and looking forward you be next week Sunday 12 a.m. Pakistani time. So,